क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसके अंदर 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, 90 ग्राम वाटर है और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल है ना, बाद में उसमें 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया यानी सॉल्वेंट इंक्रीज कर दिया, तो जो नया वेपर प्रेशर वो बन गया 2.9 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है जो कि वॉलेटाइल कंपोनेंट है। तो लगने वाला तो यहाँ पे रॉड्स का लॉ है, रॉड्स का कौन सा लॉ लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। लेकिन अभी हमें ये नहीं बताया कि सॉल्यूट कौन सा है, 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है बट सॉल्यूट अननोन है, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि जो भी सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास यानी मोलार मास कितना है, और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो वाटर है प्योर वाटर उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो डिफरेंट केसेस को लेके स्टडी करेंगे। पहला केस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जब सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट था और 90 ग्राम वाटर था, और सेकेंड केस वो होगा जब हमने सॉल्यूशन के अंदर अगेन 18 ग्राम वाटर ऐड किया। केस वन, जब हमारे पास सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम वाटर है, इसको लेके हम लोग पहला कैलकुलेशन करते हैं और इसमें अननोन जो भी सब्सटेंस उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो इनिशियली केस वन में हमारे पास सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम, एंड सॉल्वेंट कितना है, इट इज 90 ग्राम। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का हमें नहीं मालूम, वो हमें कैलकुलेट करना है, तो एम टू अननोन है, हाँ, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, इट इज 18 ग्राम पर मोल। अब हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं, राइट, सॉल्यूट के एंड सॉल्वेंट के, बिकॉज हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है, वहां पे मोल फ्रैक्शन यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अननोन है मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय m, और ये m कौन सा है, अननोन, जो हमें नहीं मालूम, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितने ग्राम है हमारे पास, 90 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता है 18 है, तो 90 डिवाइडेड बाय 18 तो हमें मिल जाएगा 5 मोल्स, 5 मोल्स सॉल्वेंट है और 30 बाय m मोल्स सॉल्यूट है। अच्छा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी गिवन है, वो भी मेंशन कर देते हैं, तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो कितना गिवन है, इट इज 2.8 किलो पास्कल। ये हमारा केस वन का डिटेल है कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। नाउ यहाँ पे हम लोग रॉड्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट होगा आरएलवीपी का, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कब आता है, जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो क्या होता है रॉड्स लॉ का इक्वेशन, इट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन P naught equals to X2, और X2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, we can write N2 upon N1 plus N2। अब हमारे पास जो भी डिटेल्स है हम लोग पहले वो पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, उसका वेपर प्रेशर हमारे पास नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक हमें कैलकुलेट करना है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, ठीक है, और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना था, M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये दो चीजें हमारे पास अभी अननोन है, तो यहाँ पे अननोन जो है उसको एज इट इज रख देते हैं, बाकी जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हम पुट कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं P नॉट माइनस, अब PS की वैल्यू हमें पता है फर्स्ट केस में, इट इज 2.8 अगेन डिवाइडेड बाय P नॉट इक्वल्स टू, अब N2 की वैल्यू कितनी है, तो N2 की वैल्यू हमारे पास है, इट इज 30 डिवाइडेड बाय m, अगेन n1 की वैल्यू हमें पता कितनी, इट इज 5, और n2 की अगेन 30 डिवाइडेड बाय m। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एलसीएम लेके, 30 बाय m डिवाइडेड बाय 5m प्लस 30 डिवाइडेड बाय m। नाउ हम क्या करेंगे, यहां से m और m को कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, वी विल गेट 30 डिवाइडेड बाय 5m प्लस 30। यहाँ पे हमारे पास है p नॉट माइनस 2.8 अपॉन p नॉट।
अब ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 5 और अंदर लिख सकते हैं m प्लस 6 एंड यहां से ये कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे एक्चुअली दो चीजें अननोन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6 अपॉन m प्लस 6। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ये p नॉट माइनस 2.8 अपॉन p नॉट है, इसमें से हम लोग दोनों टर्म्स को अलग कर लेते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2.8 अपॉन p नॉट इक्वल्स टू 6 अपॉन m प्लस 6। अब ये जो 1 वाला टर्म है उधर ले जाते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.8 अपॉन p नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 6 अपॉन m प्लस 6। अब m प्लस 6 अगर मैं यहाँ पे नीचे एलसीएम में ले लूं, ऊपर क्या बचेगा m प्लस 6 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा प्लस 6 एंड माइनस 6 कट गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या मिला 2.8 अपॉन p नॉट इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 6, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं p नॉट अपॉन 2.8 इक्वल्स टू m प्लस 6 अपॉन m। अब ध्यान देना, ये जो फाइनल वैल्यू आई है इसका हमें यूज करना है, यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स हैं, एक p नॉट अननोन है और एक m अननोन है। m इज द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और p नॉट है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो कि सॉल्वेंट है। नाउ केस टू, अच्छा केस वन में कितनी वैल्यू आई वो ध्यान रखना, इट वॉज p नॉट अपॉन 2.8 इक्वल्स टू m प्लस 6 अपॉन m। अब केस टू की बात करते हैं, तो केस टू में हमें मालूम है कि सेम सॉल्यूशन था लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया 18 ग्राम और वाटर ऐड कर दी, इसलिए वाटर का वेट बढ़ गया। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, हर चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूट की बात करते हैं, तो सॉल्यूट तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो वेट ऑफ सॉल्यूट सेम एज इट इज 30 ग्राम, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो वो पहले कितना था 19 ग्राम था प्लस उसमें 18 ग्राम और वाटर ऐड कर दिया, तो इट बिकम्स 108 ग्राम। मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट फिर से हम लोग को m लेना है बिकॉज वो अननोन है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो तो हमें पता है इट इज 18 ग्राम पर मोल, और इस बार जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर चेंज होके कितना हुआ, इट बिकम्स 2.9 किलो पास्कल। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो अगेन हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगेन सेम फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, W2 की जगह 30, M2 हमें पता नहीं अननोन, हम M रखेंगे। दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, तो इस बार जो वेट है वो चेंज हो गया, इट इज 108 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 18, तो हमें कितना मिलेगा, इट विल बिकम 6 मोल्स। अब ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, दैट इज RLVP। अगेन फिर से वही फॉर्मूला देखना हमें, पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू X2, जिसकी जगह हम लोग N2 अपॉन N1 प्लस N2 यूज करने वाले। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देते हैं, तो पी नॉट तो अननोन है, तो पी नॉट माइनस PS, नाउ दिस टाइम इट इज 2.9 अपॉन अगेन P नॉट इक्वल्स टू 30 बाय m अपॉन 6 प्लस 30 बाय m। नाउ फिर क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर आएगा 30 अपॉन m, नीचे आएगा 6 m प्लस 30 अपॉन m। ये जो m है m को कैंसिल करेगा, नाउ वी हैव 30 अपॉन 6 m प्लस 30, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 2.9 अपॉन p नॉट। और यहां पे क्या कर सकते हैं 30 अपॉन 6 कॉमन निकाल देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 6 और ब्रैकेट में m प्लस 5 और यहां से कट कर देते हैं, तो 6 5 जा 30
आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू फाइव अपॉन एम प्लस फाइव। अब हम क्या करेंगे, वन को साइड ले जाएंगे, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू वन माइनस फाइव एम प्लस फाइव। अब इसको एलसीएम लेके अगर हम करेंगे सॉल्व, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वी विल गेट एम प्लस फाइव माइनस फाइव अपॉन एम प्लस फाइव, जिसमें ये प्लस फाइव माइनस फाइव जो है कैंसल हो जाएगा, वी विल गेट 2.9 अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एम अपॉन एम प्लस फाइव या फिर पी नॉट अपॉन 2.9 इक्वल्स टू एम प्लस फाइव अपॉन एम। दिस इज द वैल्यू फॉर द केस टू। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, और यहां पे जो हमने कैलकुलेशन पहले किया था दैट वाज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ हम क्या करेंगे, अब दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केस वन जो हमें वैल्यू मिली दैट वाज पी नॉट अपॉन 2.8 इक्वल्स टू एम प्लस 6 अपॉन एम, और अकॉर्डिंग टू केस टू जो हमें वैल्यू मिली दैट वाज पी नॉट अपॉन 2.9 इक्वल्स टू एम प्लस 5 अपॉन एम। दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। नाउ डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, पी नॉट अपॉन 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट अपॉन 2.9 इक्वल्स टू एम प्लस 6 डिवाइडेड बाय एम अपॉन एम प्लस 5 डिवाइडेड बाय एम। ये पी नॉट कट होगा एंड दिस एम एम की वैल्यू कट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिलेगा 2.9 अपॉन 2.8 इक्वल्स टू एम प्लस 6 अपॉन एम प्लस 5। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 2.8 m प्लस 16.8। सिमिलरली 2.9 को मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो 2.9 m प्लस 14.5। अब m वाले टर्म्स एक तरफ ले लेने हैं हमें, तो हमें क्या मिलेगा 16.8 माइनस 14.5 इक्वल्स टू 2.9 m माइनस 2.8 m, और यहां सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलेगा, वी विल गेट 2.3 इक्वल्स टू 0.1 m, तो m इज इक्वल टू 23। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। हम लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बट अभी भी एक चीज पेंडिंग है, वेपर प्रेशर चाहिए था प्योर सॉल्वेंट का, यानी पी नॉट की वैल्यू निकालना। नाउ अकॉर्डिंग टू केस वन इक्वेशन थी मेरे पास पी नॉट अपॉन 2.8 इक्वल्स टू एम प्लस 6 अपॉन एम। अब एम की वैल्यू मेरे पास है, तो वैल्यू पुट कर देता हूं, तो पी नॉट अपॉन 2.8 इक्वल्स टू एम इज 23, तो क्या लिख सकता हूं 23 प्लस 6 अपॉन 23, दैट इज 29 अपॉन 23। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पी नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 29 अपॉन 23। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी पी नॉट की, इट इज इक्वल टू 3.53 किलो पास्कल। अब ये जो फाइनल आंसर आया, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें
5% सॉल्यूशन में शुगर केन मिक्स किया हुआ है बाय मास, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 271 केल्विन हो गया है, यानी डिक्रीज हो गया डिप्रेशन के बाद 271 केल्विन। अब क्या बोला गया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, अगर 5% ग्लूकोज डाला जाता है वाटर में और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है इट इज 273.15 केल्विन। यहाँ पे भी हमें दो केसेस स्टडी करने पड़ेंगे, एक होगा केन शुगर के लिए दैट इज सुक्रोज और दूसरा होगा ग्लूकोज के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें केस लिख देता हूं मैं कि फर्स्ट केस क्या होगा, केस वन दिस इज फॉर नॉर्मल शुगर दैट इज सुक्रोज। अब उसमें हमें क्या दे रखा है, उसमें हमारे पास वैल्यू है कि ये 5% बाय मास सॉल्यूशन है, इट मींस सॉल्यूट जो है शुगर दैट इज 5 ग्राम और उसमें सॉल्वेंट जो है इट इज 95 ग्राम। और क्या गिवन है, और हमारे पास उसका फ्रीजिंग पॉइंट है यानी 271 केल्विन है, और नॉर्मली जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का दैट इज 273.15 केल्विन होता है। तो इसका डिफरेंस यानी डेल्टा टीएफ कितना आएगा, इट इज टी नॉट एफ माइनस टीएफ। सो कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, इट इज 2.15 केल्विन। नाउ आप यहां पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी। अब मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए सॉल्यूट के। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का सुक्रोज का कितना होता है, इट इज 342 ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 342, वी विल गेट 0.0146 मोल। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां से मोलालिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना आएगा, इट इज 0.0146 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, हमारे पास 95 ग्राम है केजी में चाहिए, तो वी कैन डिवाइडेड बाय 1000 जो कि ऊपर चला जाएगा। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मोलालिटी मिलेगी इट विल बी 0.153 मोल पर केजी। यहां पे हमें मोलालिटी मिल चुकी है शुगर की। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें केएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि वाटर की जो केएफ की वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसको कैलकुलेट करके हम लोग सेकेंड केस यानी ग्लूकोज के लिए कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो केस वन में हम लोग यहाँ पे केएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होगा डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि केएफ इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ अपॉन मोलालिटी। यहां से केएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो केएफ इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है, 2.15 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलालिटी जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 0.153। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, वी विल गेट 14.05 केल्विन केजी पर मोल। ये हमें मिल गया केएफ की वैल्यू, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर द सेकेंड कैलकुलेशन। अब हम लोग केस टू स्टडी कर सकते हैं, यहां पे इट इज फॉर ग्लूकोज। अब ये भी कितना दे रखा है, इट इज ऑल्सो 5% बाय मास, विच मीन्स यहां पे भी हम मेंशन कर सकते हैं कि वेट ऑफ जो सॉल्यूट होगा दैट इज ग्लूकोज ये हो जाएगा 5 ग्राम, सॉल्वेंट जो होगा वाटर इट इज 95 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का यूज होगा 180 ग्राम पर मोल। अब हम लोग यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी, और मोलालिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसका यूज कर लेंगे। फाइनली हम लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू, अब केएफ की वैल्यू कितनी है, इट इज 14.05 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट
जो कि है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो कि ग्लूकोज के लिए है 180 और सॉल्वेंट कितना है, इट इज 95 ग्राम हमें केजी में चाहिए, जिससे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब इस पूरे टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू मिलेगी 4.108 केल्विन। ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू है और हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, टीएफ कितना होगा। टीएफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ, यानी जितना फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली होना चाहिए प्योर का, उसमें से जितना डिप्रेशन हुआ उतना सबट्रैक्ट कर दो। तो नॉर्मल कितना होता है वाटर का वो हमें पता है, इट इज 273.15 माइनस कितना हमने डिप्रेशन देखा, इट वाज 4.108। इसको सबट्रैक्ट करोगे तो फाइनली तुम्हें मिलेगा 269.04। ये हमारा हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, जहां पे 5% ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है।